नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। अधिकारी मुर्दाबाद, रेलवे अधिकारी मुर्दाबाद, बुकिंग काउंटर मुर्दाबाद, अजीत सिंह भट्टा जिंदाबाद, जिंदाबाद मंडल जिंदाबाद, गौरव मेरे उसके बाद जो है हमारी ट्रेन आ गई 9:30 बजे, तो मैं क्या अगर ट्रेन छूट जाएगा तो मेरा तारीख छूट जाएगा कोर्ट का, तो मैं तुरंत जो है ट्रेन में बैठा चला गया। मैंने कहा ठीक है, लोग आते तो बात करते हैं। हम तो रात को आए हैं, रात को 11-12 बजे पहुंचे हैं। आज करवा देंगे भैया, आज करवा दीजिए। आपको करवाना चाहिए था। नहीं नहीं, आज करवा दीजिए। मेरी लगाने आपको अगर शिकायत करेंगे तो उस समय उन्होंने इनके साथ गलत शब्द यूज किया। इन्होंने कहा भाई अच्छे शब्दों में बात करिए, तो गाली गलौज करने लगे और बोले कि गिरा के मारूंगा। ये बगल वाला भी बोला भाग जाओ नहीं तो अभी सब कोई मिल के मारेंगे। तो हम लोग आ गए, उनको कहिए मारे इनको गिरा के। कहिए हम लोग बैठे हैं, देखें कितना दम है। और बंदूक बता रहे हैं बहुत बड़ा रेलवे का गुंडा है। हम ये मैं अध्यक्ष हूँ, मैं बता दिया हूँ। आपने कहा, मैंने क्या जवाब दिया कि मेरी FIR करा दीजिए। मैंने कहा ना बस आपको आगे की बात करनी चाहिए। ये आपने ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया? अरे सबको शांत रहिए, कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई नहीं बोलेगा बीच में। पहले हम अपना परिचय दे दें। मेरा नाम प्रदीप यादव, असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर बनारस। मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ शहर का, अजीत सिंह बग्गा मेरा नाम है। ये मेरे महामंत्री हैं और मेरे साथ ये उड़ाका दल के अध्यक्ष हैं, ये विद्यापीठ के अध्यक्ष हैं, ये कभी रोग के अध्यक्ष हैं, आम आदमी की क्या स्थिति होगी बताइए। शहर का हमारा महामंत्री है, इसका भट्टा पकड़ दे रहा है। नहीं, सीधे तो बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधे निलंबन इनका करना है, सीधे निलंबन टाइप करवाइए और उनको भिजवाइए, दस्तखत करवा लीजिए। बुलाइए, करवाइए पापा, एक मिनट कॉल करवाइए, अलग करवाइए, दोनों काम करिए। आप बस एक बार मुझे पूरा वाक्य बता दो। यही जिनके साथ घटना हुई है, शायद उसका नाम बलवंत गुप्ता है। उसने जो है बाहर निकल करके खाया था, उसका थूक करके तारक पकड़ लिया, तारक भगड़ी वाला जगह नेतागिरी कर इलाहाबाद जाए ना पहले मारा, तो इलाहाबाद में रह जीवे जो 3-4 थप्पड़ मार दिया हमें बेइज्जती करने के नियत से। और उसके बाद जो है मेरा 600 रुपया था, अभी पीछे से निकाल लिया 600 रुपया मेरा पीछे से निकाल लिया। किसने निकाल लिया? अब उसमें भीड़ में वो आए हैं, अब किसने निकाला मैंने नहीं देखा, उन्हीं लोगों के साथ थे जो लोग निकाले। कुछ दिनों पहले हमारे सम्मानित अतिथि हैं, इनके साथ बुकिंग काउंटर पे क्लर्क ने कुछ थोड़ी सी बदतमीजी करी थी, जिसके बारे में हमने संज्ञान लिया है और त्वरित कार्रवाई की है। इनकी जो FIR है वो भी दर्ज की जाएगी, जो लोग बाहर तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित भी किया जाएगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये क्या कहना है, मतलब बदतमीजी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप हमारे कस्टमर हैं, वैल्यूबल कस्टमर हैं, आप हमें पैसा देते हैं, कोई फ्री में नहीं जाते हैं। तो हमारा
सरकार की तरफ से ये कर्तव्य बनता है कि हम आपको अच्छी और सुखद सेवा दें, आपका अनुभव सुखद रहे, ये हमारी तरफ से कोशिश रहेगी। अगर एन केन कोई भी बदतमीजी करता है तुरंत उसकी रिपोर्ट हमको, हम तक अगर उसकी जानकारी पहुंचती है तुरंत कार्रवाई होगी। और अपनी तरफ से हम ये भी कोशिश करेंगे, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाएंगे, उनको जाके काउंटर पे उनको काउंसिल भी किया जाएगा कि किस तरीके से अपने कस्टमर से बात करनी है, किस तरीके से उनसे डील करना है। तो उम्मीद है इतना करने के बाद इन सारी शिकायतों पे थोड़ी रोक लगेगी। निलंबित किया और कहा FIR भी करवाई। ये जो सप्ताह व्यापी ज्ञान यज्ञ चला है इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। दक्षिण भारत से आए हुए सुप्रसिद्ध कथावाचक ब्रह्मश्री नोच्चूर वेंकट रामन जी, जो कि दक्षिण भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और लाखों लाखों उनके भक्त हैं पूरे विश्व में। हम सभी काशीवासियों का बहुत ही सौभाग्य है, विगत एक सप्ताह से काशी पंचकम और मनीषा पंचकम और आत्म तत्व, मतलब हम कितने भी धर्म कार्य करें, कुछ भी करें, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, ये प्रत्येक व्यक्ति को समझना बहुत अनिवार्य है। तो ऐसे कठिन विषयों को उन्होंने बहुत ही सरल रूप से एक छोटे बालक से लेके वृद्धावस्था के व्यक्ति तक सब लोगों को बहुत ही सरल रूप से समझ में आए, इस तरह उन्होंने एक सप्ताह तक आद्य शंकराचार्य जी द्वारा विरचित मनीषा पंचकम, काशी पंचकम और वेदांत बोध हम सभी लोगों को कराया। और विश्वनाथ जी से और अन्नपूर्णा जी से, गंगा भागीरथी से यही प्रार्थना है, पुनः पुनः महाराज जी का काशी आगमन होता रहे। महाराज जी के साथ हजारों लोग पूरे विश्व से यहाँ पर आए हुए हैं और इसके लिए एक साल से इनका बहुत बड़ा प्रयत्न था। ब्रह्म विद्याश्रम ट्रस्ट चेन्नई, उसके जितने भी सदस्यगण हैं और काशीवासी कई लोग, सभी लोगों के प्रयत्न से इतना असाध्य कार्य यहाँ हो सका। भगवान की कृपा से ये महायज्ञ एक साल से पहले शुरू हुआ, हमको ये जगह नहीं मालूम, लेकिन वो विश्वनाथ ने अरेंज किया ये यज्ञ अन्नपूर्णा विशालाक्षी के साथ। उनका नाम भी विशालाक्षी। विशालाक्षी के कृपा से ये यज्ञ शुरू हुआ और एक हफ्ते के पहले भी हमें नहीं मालूम हम कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इधर बोट चल रही थी। तो इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना किया और ईश्वर का कृपा से इतना लोग इधर आके ये सबको होटल में, आश्रम में देखे। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।